जयपुर में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जालूपुरा के विप्र गौर स्कूल पहुंचकर मतदान किया और इस दौरान पायलट ने मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की है। एवन टीवी से खास बातचीत में पायलट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और इस दौरान पायलट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसा ने। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। हमारे साथ हैं पीसीसी चीफ और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। सर, लगातार प्रदेश का मतदान, दूसरे चरण का मतदान जारी है, अभी तक की स्थिति देखें तो 32-33% मतदान हुआ है, मतदान बहुत स्लो चल रहा है, क्या मतदाताओं से अपील? मुझे खुशी है कि मतदान पहले से ज़्यादा हो रहा है, इतनी भीषण गर्मी है फिर भी लोग आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है। नौजवान लोग पहली बार जो मत डाल रहे हैं वो आके इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बन रहे हैं, ये अच्छा एक भविष्य के लिए मैं समझता हूँ परिपाटी है। 12 सीटों का चुनाव आज है, 13 पहले हो चुका है, कांग्रेस पार्टी को बेहतर बढ़त मिलेगी, हमारी सरकार का जो कार्यकाल है जनता उस पर अपना वर्डिक्ट देगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा मिशन 25 इसको पूरा करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, आपके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, मिशन 25 को लेकर आप फिर आप लोकसभा चुनाव में निकले हैं, प्रदेश में आपने लगातार कैंपेनिंग की है, कितनी उम्मीद प्रदेश की जनता से? पब्लिक को हमने देखो, जो हमें विधानसभा चुनाव में हमें आशीर्वाद मिला उसके बाद हमने लगातार काम किए हैं, ऋण माफ़ी हो, पेंशन हो, रोजगारी भत्ता हो, फसल खरीद हो, पानी के बिलों की बात हो, सब जगह जितना हो सका हमने किया है, इसलिए जो रिस्पॉन्स है, जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है और भाजपा के 5 साल के कार्यकाल को जनता देख चुकी है, जुमले दिए हैं, अब वो बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। बीजेपी राष्ट्रवाद पे सवार है, कांग्रेस न्याय योजना पे सवार है, न्याय योजना राहुल गांधी लेकर आए हैं, कितनी कारगर साबित होगी जनता के लिए और कितना अप्रिशिएट जनता कर रही है? ये गेम चेंजर है ना, उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने पैसे दिए 10-15 लोगों को, 3 लाख करोड़ रुपये लेके भाग गए लोग, और जो सबसे गरीब तबका है 25 करोड़ लोग, उनको हम देना चाहते हैं। तो मध्यम वर्ग की मदद करना, गरीबों की मदद करना, किसान नौजवानों को समृद्ध देखना, ये कांग्रेस का एक विजन है और मैनिफेस्टो ही सब कुछ बताता है। बीजेपी का वही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, विकास, निवेश, रोजगार, कारखाने लगें, नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिले, इस पर हमारी पार्टी कमिटेड है। चुनाव की बात की जाए, कैंपेनिंग में तो लगातार प्रधानमंत्री परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर हावी रहे हैं कि जो कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति है उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को वंशवाद नहीं दिखता है जब वसुंधरा जी के पुत्र चुनाव लड़ते हैं, या रमन सिंह जी के बेटे सांसद रहे, या उद्धव ठाकरे जी और उनके बेटे राजनीति करते हैं, तो ये वंशवाद का आरोप लगाना औरों के ऊपर, चीज में कांग्रेस का पूरी तरह कामयाब। तो ये थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, लगातार मिशन 25 को लेकर कैंपेनिंग की है और जनता के बीच गए हैं और पूरी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि मिशन 25 में कांग्रेस कामयाब होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।